अल्लाम वरम् वरक आज के लेक्चर में हम ए बी सी ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स में भी शेयर करें तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट है ए ए फॉर एक्टिवेशन इनर्जी तो ये कुछ केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स होंगी जो कि हम ए टू जी जो हैं वो स्टेप वाइज उनको पढ़ेंगे समझेंगे और देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर कंपाउंड्स टू रिजल्ट केमिकल रिएक्शन अब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये इनर्जी रिएक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तो जो रिएक्टेंट्स को ये इनर्जी प्रोवाइड की जाती है रिएक्टर्स तो से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो इनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन इनर्जी और देन जो है वो रिएक्टर ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ये नीचे दो फिगर्स दिखाई गई हैं बिल्कुल इसी में यही हुआ है नेक्स्ट हमारे पास है बी फॉर बनजीन बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विद द मोलिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच सिक्स द बेंजीन मालिक्यूल इज कम्पोज ऑफ सिक्स कार्बन एटम ज्वाइंट इन अ प्लेनर रिंग विद वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच कि बेंजीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है सी सिक्स एच सिक्स कि इसमें जो है वो इक्वल अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और हर कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन लगा होता है और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि प्लेनर रिंग होती हैं ठीक है थीक? तो ये कुछ नीचे जो है वो लेफ्ट साइड पे कुछ बेंजीन की बेसिक्स लिखी हुई हैं फार्मूला इसका है मोलर मैस है बॉइलिंग पॉइंट है और इसका नेम है और इसकी डेंसिटी है अब ये स्ट्रक्चर में इसके जो हैं वो बॉन्ड एंगल्स दिखाए गए हैं और बॉन्ड लेंथ जो है वो है शो की गई और ये राइट right साइड पे हमारे पास बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं कि ये बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला है कैकुलेज स्ट्रक्चर हैं और दैन जो है इसकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में भी फिगर्स शो की गई है और लास्ट पे हमारे पास ये एक कंप्लीट और सेटिस्फाइड स्ट्रक्चर आता है जिसको कि हम बेंजीन रिंग कहते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है सी फोर कवल एंड बॉन्ड अकवल एंड बॉन्ड इज फॉर्मड वैन टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स ओवरलैप इन स्पेस एंड मर्ज टू फॉर्म न्यू बिगर ऑर्बिटल्स विच इज़ नाउन एज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स अच्छा जी कोवल बॉन्ड हमारे पास ये होता है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कवल बॉन्ड के दो डिफरेंट एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने म्यूचुअली जो हैं वो शेयर होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कवल बॉन्ड बनता है तो ये वाटर का मालिक्यूल है इधर और अमोनिया का है जिसमें के कोवल बॉन्ड दिखाए गए हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कवल बॉन्ड कहते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है डी फॉर डबल बीटा डीके फॉर इक्वलीब्रियम केमिकल इक्वलीब्रियम इज द स्टेज इन केमिकल रिएक्शन वेयर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है तब तब जो हमारे पास केमिकल इक्वलीबियम अचीव होता है तो इसको हम कहते हैं इक्वलीबियम स्टेज एफ आर फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन ये रिएक्शन इन विच टू और मोर अटामिक न्यूक्लियाई और कम्बाइंड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट अटामिक न्यूक्लियाई एंड सब अटामिक पार्टिकल्स इसमें ये होता है फ्यूजन रिएक्शन जो हैं कि इसमें दो या ज, दो से ज़्यादा जो अटामिक न्यूक्लियाई हैं वो कम्बाइंड होते हैं और हमारे पास जो एक से ज़्यादा डिफरेंट अटामिक न्यूक्लियाई या उसके सब पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं

ये केमिकल थर्मोडाइनिक्स में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडाइनिक पोटेंशियल दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क दैट मे बी परफॉर्म बाय अ थर्मोडाइनमिकली क्लोज सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है और इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं नॉन वॉलीम एक्सपेंशन वर्क की तो ये हमारे पास इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है तो इसका फार्मूला है जी इज इक्ल टू एच माइनस टी एस तो एच जो है वो हमारे पास इंथोलोपी है एस हमारे पास एंट्रोपी है और टी हमारे पास टेम्परेचर है गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा एफ से भी शो कर सकते हैं या एफ से शो कर सकते हैं एच फॉर हाफ लाइफ ऑफ मालिक्यूल्स सो एच फॉर हाफ लाइफ अब हाफ लाइफ क्या होती है द हाफ लाइफ ऑफ आर रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कंसनट्रेशन टू डिक्रीज़ टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू अब हाफ लाइफ जो है वो एक ऐसा टाइम है कि जिसमें जो रिएक्टर की कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज हो के उसका हाफ हो जाती है इनिशियल वैल्यू के कि जिस वैल्यू से रिएक्टर जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं प्रोडक्ट्स में तो हाफ़ लाइफ जो है वो उसका हाफ होगी इनिशियल वैल्यू का हाफ होगी ये कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ है इनिशियल वैल्यू का हाफ होगी देन सेकंड हाफ लाइफ है वो उसका हाफ होगी देन थर्ड हाफ लाइफ है वो उसका हाफ होगी आई फॉर आइसोटोप। तो ये हम जो है वो बेसिक्स ही हैं हमारी सारी के हमने ये मैट्रिक लेवल में इंटर लेवल में और बैचलर लेवल तक ही जो है वो आइसोटोप्स को डिस्कस किया है और आगे भी ये हैं ये मुख्तलिफ़ टर्म्स में ये, ये यूज़ होते रहेंगे आइसोटोप्स आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ये कुछ जो हैं वो आइसोटोप्स दिखाए गए हैं हाइड्रोजन के हैं ड्यूट्रियम प्रोटियम और ट्रीटियम तो ये तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के फॉर जोन्स ऑक्सीडेशन तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये हमारे पास ये इम्पोर्टेंट एक फिनोमेना है कि जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा कि कीटोन्स में जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इट इज़ नेम आफ्टर इट्स डिस्कवर सर एवर्ड जॉन्स तो ये जो नेम रखा गया इस रिएक्शन का जॉन्स ऑक्सीडेशन का ये इसके डिस्कवरर पर रखा गया ठीक है सर एवर्ड जॉन्स के नेम पे दिस रिएक्शन वाज एन अर्ली मैटर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो ये जो है वो सबसे पहला किए जाने वाला मेथड था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए के फॉर कीटोन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर आर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और वेयर आर एंड आर डैश कैन बी ए वाइटी ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटिटुन कि ये दो डिफरेंट चेंज हो सकती हैं कीटोन्स कंटेन आ कार्बोन आइल ग्रोप सी दिटोन इज एसिटोन विद द फार्मूला सी एच थ्री सी सी एच थ्री तो जो हमारे पास कीटो ग्रुप है वो हमारे पास एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड होता है ठीक है कि जिसकी दोनों साइड्स पे हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जो कि डिफरेंट जो हैं वो चेन हो सकती हैं कार्बन एटम्स की तो उसी के लिहाज से हम कीटोन को उसका नेम देते हैं पेरेट नेम तो सबसे हमारे पास सिंपलेस्ट जो कीटोन है उसको हम एसीटोन कहते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है एल फॉर लेंथनइ्स तो ये हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीओडिक टेबल के बॉटम में दिखाए गए होते हैं लेंथानॉइडस और एक्टानायड्स द लेंथानाइड्स और लेंथनॉइड सीरीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स कम्प्राइज द फिफ्टीन केमिकल एलिमेंट्स विद अटामिकंबर्स फिफ्टी सेवन टू सेवेंटी वन के इसमें जो हमारे पास फिफ्टीन एलिमेंट्स आते हैं कि जो लेंथानम से शुरू होते हैं और ल्यूटेटियम तक जो है वो होते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इसमें जो है डिफरेंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो हैं एलिमेंट्स आते हैं सीरियम है उसके बाद ल्यूटेटियम है दैन जो है एक्टेनाइड्स में हमारे पास जो है वो थोरियम है जो कि रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है ए, उसके बाद यूरेनियम है उसके बाद जो हमारे पास यम जो है इसका ही जो उसको हम कहते हैं कि सब जो लेंथानाइड है एलिमेंट जो कि लेंथानाइट सीरीज का मेंबर तो नहीं है ना ही एक्टानाइट सीरीज का मेंबर है लेकिन इसके ऊपर वाले ग्रुप में पाया जाता है तो उसकी जो है वो ए, इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं इससे दीज एलिमेंट्स अलॉन्ग केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स स्कैंडियम एंड यट्रियम आर ओफन कोलेक्टिवली नाउन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि स्कैंडियम, और यट्रियम की भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर टू हैं लेंथनॉइड तो इसीलिए भी इनको कलेक्टिवली कह दिया जाता है कि ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या रेयर अर्थ मेटल्स हैं एम फॉर मॉलिक्यूल्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डर टुगेदर रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन अब ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइटम्स है जो कि आपस में बॉन्डेड हुए होते हैं जुड़े होते हैं और एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट को रिप्रजेंट करते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं ये मालिक्यूल है अब ये नीचे ऑक्सीजन का मालिक्यूल दिखाया गया है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड देन हमारे पास है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो क्या है ट्रिपल बॉन्ड है देन हाइड्रोजन है देन ओजोन है देन हमारे पास नीचे मीथेन है अमोनिया है ग्लूकोज का मालिक्यूल है और कैफीन का मालिक्यूल है जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज़ कंपेयर टू ग्लूकोज़ जी नेक्स्ट हमारे पास है एन फॉर न्यूक्लियस द न्यूक्लियस इज अ सेंटर ऑफ एन एटम। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मैस इन एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस विद अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अब हमारे पास ये होता है कि जो न्यूक्लियस है वो किसी भी एटम का सेंटर होगा कि जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं तो इसीलिए हम कलेक्टिवली कह लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड देन जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ए, करते हैं मूव वो होते हैं इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और आगे फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देन जी हमारे पास है ओ आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री

हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ये एक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट ब्रांच है ये वाइडली यूज होने वाली ब्रांच है इसमें हम डिफरेंट तरह की साइंटिफिक स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स की और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो है वो देखते हैं उनको देखते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फिनमिना है केमिस्ट्री में जो कि मेरा जो है वो सब्जेक्ट फेवरेट है ऑल द टाइम फेवरेट मेरा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड देन हमारे पास है पी फॉर पी एच पी एच जो एब्रिविएशन है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइन्स या हाइड्रोइ्स जिसको कह सकते हैं पी एच इज़ अ मैयर ऑफ हा एसिडिक और बेसिक वाटर इज तो इससे हम ये मैयर करते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है वो कितना एसिडिक है या बेसिक है द रेंज गोज़ फ्राम ज़ीरो टू फोर्टीन तो इसकी पी एच की जो रेंज होती है हमारे पास वो ज़ीरो टू फोर्टीन होती है विद सेवन बींग न्यूट्रल और अगर कोई भी जो है वो फॉल करे सेवन पे तो वो न्यूट्रल होगी द पी एच ऑफ लेस दैन सेवन इंडिकेट्स एसिडिटी अगर पी एच जो है वो ज़ीरो टू सेवन हो या जीरो टू सेवन के इन बिटवीन फॉल करे तो वो जो है वो कंपाउंड एसिडिक होगा वेयर एज पी एच ऑफ ग्रेटर दैन सेवन इंडिकेट्स आर बेस तो अगर पी एच जो है वो सात से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगी चीज़ देन ये ज़ीरो टू फोटीन जो कुछ हमें दिखाए गए हैं तो ये एसिडिक हैं न्यूट्रल हैं और बेसिक हैं कंपाउंड्स जी नेक्स्ट है हमारे पास क्यू फॉर क्वांटम नंबर द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर तो ये एक बहुत ही सिंपल एक फिनोमेना है क्वांटम नंबर का कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है और उनकी जो पोजीशन है और उनकी इनर्जी है वो हम क्वांटम नंबर्स की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एटम में ठीक है देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं कि जिनके नेम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनको के हम स्मॉल एन से शो करते हैं एजीमोथल क्वांटम नंबर जिनको कि हम स्मॉल एल से शो करते हैं मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हैं ये हमारे पास शेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए शो होते हैं और यूज़ होते हैं एजीमोथल क्वांटम नंबर सब शेल्स को डिस्कस करते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये को डिस्क्राइब करते हैं और जो हमारे पास स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मूवमेंट को अराउंड द एटम उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास पिन क्वांटम नंबर यूज़ किए जाते हैं आर फॉर रिएक्टेंट्स अ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट एंड अंडरगोज चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन एक ऐसी स्पीशी जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले और उस रिएक्शन को चेंज करे तो उसको हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस दैट इज चेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ठीक है को कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट और मुख्तलिफ जो हैं वो रिएक्टेंट्स मिल के डिफरेंट जो हैं हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एस फॉर स्पेक्ट्रम अस्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज द करेक्टरिस्टिक्स वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन और अ पोर्शन देअ ऑफ दैट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाई एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस एटम और मालिक्यूल तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फिनमोना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में और डिफरेंट जो हैं हमारे पास इसके लिए यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रोमेंट्स तो ये हमारे पास विज़िबल लाइट में ये डिफरेंट स्पेक्ट्रॉज दिए गए हैं जैसा कि गैमा गेम, रेज हैं हमारे पास एक्स रेज हैं यू वी रेज़ हैं आई आर रेज़ हैं तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम को शो करती हैं और ये अल्ट्रा और इंफ्रा रेड के दरमियान जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन होता है तो ये विजिबल रीजन का नीचे स्पेक्ट्रम है तो इनकी जो अमूमन जो इनकी वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर्स में होती है नेक्स्ट हमारे पास है टी फॉर ट्रिपल बॉन्ड अ ट्रिपल बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन्वॉल्विंग सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ द यूज टू इन अ सिंगल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉगर दैन द इक्वल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स विद अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ थ्री तो जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ये किसी भी दो एटम्स में उनके तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है ट्रिपल बॉन्ड और तो जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है और इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो थ्री होगा जैसा कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो थ्री है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो तीन बॉन्ड बनाता है इस जो नीचे जो फिगर दिखाई गई है इसमें सिंगल बॉन्ड को भी शो किया गया है डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड को हाइलाइटेड कर दिया गया है रेड कलर से यू फॉर यू एन नंबर आ यू एन नंबर इज़ अजिट नंबर दैट आइडेंटिफाइज हेजेडियस मेटीरियल एंड आर्टिकल इन फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सम हेज सबस्टांस है अब जो यू एन नंबर जो है वो कैमिट्री में किसी भी जहरीली चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एज़ आ मार्क ठीक है कि उस अगर कोई भी ए, कोई ए, हमारे पास कोई पॉइजन है तो उसको इंडिकेट्स करने के लिए ये इस तरह के यू एन नंबर जो हैं वो फोर डिजिट नंबर होता है जो कि यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट तरह के जो हैं वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स में डिफरेंट तरह के ये यू एन नंबर यूज़ किए जाते हैं कि हम कह सकते हैं जो वैलेंसी है वो किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि जो कि डेटरमाइन करती है कि ये दूसरे एटम्स के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है तो ये उस एलिमेंट की वैलेंसी है इंट्रोड्यूस्ड इन in 1868 तो इसको 1868 में इंट्रोड्यूस करवाया द टर्म इज़ यूज टू एक्सप्रेस बोथ द पावर ऑफ कंबिनेशन ऑफ एन एलिमेंट इन जनरल एंड द न्यूमेरिकल वैली ऑफ पावर ऑफ कम्बीनेशन ठीक है कि ये जो है वो आमतौर पर किसी भी एलिमेंट की पावर ऑफ कम्बिनेशन ये कितने बॉन्ड बना सकता है कितने दूसरे एटम्स के साथ अटैच हो सकता है तो ये उसको है शो करता है तो ये नीचे जो है वो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है हमारे पास तीन है कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है कार्बन की जो वैलेंसी है कार्बन जो है वो टेटरा वैलेंट है तो ये चार बॉन्ड बना सकता है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टू ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बना सकता है हमारे पास जी नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यू फॉर वुडवर्ड वर्ड मैन रोल्स तो ये हमारे पास अ सीरीज ऑफ रूल्स विच प्रिडिक्ट वेदर अ पेरिसाइक्लिक प्रोसेस अकर्स अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन एज वेल एज स्टीरियो कैमिकल आउटकम ऑफ रिएक्शन तो ये हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में यूज़ होने वाले इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वुड वर्ड ऑफ मैन रूल्स तो ये हम जो है वो इसको देखते हैं कि इसके नतीजे में हम किसी भी पेरीसाइकिल प्रोसेस में अकर्ज होने वाली थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशंस को डिस्कस करते हैं और जो है वो उसके नतीजे में जो हमारे पास स्टीरियो कैमिकल आउटकम्स आती हैं उसको ए, डिस्कस करते हैं ए, थ्रो वुड वर्ड हाफ मैन रोल्स एक्स फॉर एक्स रेज एक्स रेज आर अ फॉर्म ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन वैन इंट्रैक्टिंग विद मैटर दे आर एनर्जेटिक इनफ टू काज न्यूट्रल एटम्स टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस आयोनाइजेशन प्रोसेस द एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज़ डिपॉजिटेड इन द मैटर तो ये हमारे पास एक्स रेज हैं जो कि डिफरेंट जो हैं वो पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं हमारे पास तो ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है केमिस्ट्री में एक्स रेज के लिए जो कि डिफरेंट जो हैं वो पर्पस के लिए मेडिकल पर्पस के लिए और जो हमें हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं हमारे पास एक्स रेज वाई फॉर याट्रियम यटरीम इज़ अ हाईली क्रिस्ट आयरन ग्रे रेयर अर्थ मेटल यट्रियम इज़ फेयरली स्टेबल इन एयर बिकॉज इट इज प्रोडक्टेड बाई द फॉर्मेशन बाई द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल ऑक्साइड फिल्म ऑन इट सरफस बट ऑक्सीडाइज इज रेडी लि वैन हीटेड अब यट्रियम हमारे पास एक, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिक टेबल में कि जिसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कहते हैं कि सिमिलर टू लेंथानॉइडस हैं ए, याट्रियम की और स्कैंडियम की तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ये लेंथानॉयस की प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं तो ये इसका जो है वो याट्रीम की नीचे जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है एंड देन जो है वो इसकी फॉर्म दिखाई गई है कि किस फॉर्म में किस शेप में किस कलर में पाया जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास है जेड फॉर Zwitterion आयन जविटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप तो ये डिफरेंट रिएक्शन में हमारे पास जो है वो जविटर आइन यूज़ किया जाता है ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स की आगे जो है वो प्रोसीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट रिएक्शंस में तो ये एक ऐसा आइन होता है कि जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप रखता हो तो उसको हम क्या कहते हैं जविटर आयन जी स्टूडेंट्स तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें हमने जो है वो ए टू जी जो है वो सारी टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं वो हमने डिस्कस की हैं काफ़ी डिटेल्स के साथ अगर आपको किसी भी टर्म की किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं